जरूरतमंदों को मदद देने वाली संस्था के नाम से मशहूर समर्पण सेवा समिति के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कई क्षेत्र के मान्यवर शिरकत की थी। समर्पण सेवा समिति मेडिकल बैंक जो मानव सेवा में अग्रसर रहकर मानव सेवा का कार्य कर रही है, आज समिति को पूरे 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में समिति द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए, जिसमें समिति की ओर से वाटर बेड, एयर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वॉकर, वॉकस्टिक, डेस्क चेयर आदि जैसे वस्तुएं नाम मात्र शुल्क पर जरूरतमंदों को किराए से दी जाती है। इसके साथ ही कोरोना काल में समर्पण सेवा समिति की ओर से कई कार्य किए गए हैं। एक सदस्य जो मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, उनके माध्यम से हम बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लेते हैं। 100-100 लोगों ने हमको कोरोना काल में 2018 में, 19 में, 20 में लगातार हमने 150-150 बोतलें रख यहाँ पर इसी हॉल के अंदर कलेक्ट करके दिए। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में हमारा एनजीओ जा रहा है, और मैं दानदाताओं से आग्रह करूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रामाणिक सेवा करने वाली इस समर्पण सेवा संस्था को आप भी जानिए, हमारे साथ जुड़िए, कार्यक्रम की जानकारी लीजिए, लाभार्थियों से परिचय करिए, और फिर जो आपकी शक्ति हो इस संस्था को और आगे सेवा में बढ़ाने के लिए मदद करें। हमारा उद्देश्य आने वाले दिनों का कि हम नागपुर की 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी 6 ब्रांचेस चालू, हम बहुत आने वाले 2022-23 में हमारा कोर कमेटी का निर्णय कि 22-23 में 6 विधानसभा में हमारे 6 ब्रांचेस चालू करेंगे। वहाँ के लोग उस क्षेत्र के लोगों को मदद करेंगे, केवल एक जगह हम मदद नहीं करेंगे, इसको और विस्तार करने का हमारा इरादा है। जो लोग इस संस्था में काम करना चाहते हैं वे हमारे पास आएँ, संपर्क करें, बातचीत करें, उनके बारे में जानकर हम उनको भी जिम्मेदारी देके मदद भी देंगे। इतना ही आपके माध्यम से कहते हैं। आज के वर्धापन दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल में भोजन दान, राशन किट का वितरण जैसे कई कार्य समर्पण सेवा समिति द्वारा किए गए। भविष्य में समिति द्वारा समाज के लिए और अच्छे कार्य करने की मंशा भी व्यक्त की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।